हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो अभी हम लोग करेंगे आज डायग्राम वाले सवाल, वो भी क्लास 12th के लिए भी और आगे भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डायग्राम वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डायग्राम में मतलब इसमें कर्व बना हुआ है, आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। देखिए, व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा प्राइसेस क्या होंगे, फॉल करेंगे। ठीक है, आउटपुट आउटपुट आपका क्या होगा, यूनिट्स में है, ठीक है, एक दो तीन, जैसे जैसे आपके आउटपुट्स बढ़ेंगे प्राइस क्या होगा, फॉल करेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट में आपको अचीव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल हुआ, कब फॉल होगा, जब आउटपुट बढ़ेगा। जैसे आउटपुट आपका एक यूनिट है तो प्राइस है 10 रुपया, आउटपुट आपका दो यूनिट होगा तो प्राइस हो गया 7 रुपीज या 8 रुपीज। तो जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ेगा प्राइस आपके घटेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है इस डायग्राम में कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये आपको दिख रहा है ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। ये थोड़ा आपका ऐसे होके जाना चाहिए डायग्राम, लेकिन मैंने कुछ ऐसे स्ट्रेट कर दिया है। तो ये आपको क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, तो देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के भी कुछ सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि इसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MC के इक्वल होगा MR, ठीक है, मार्जिन कॉस्ट के इक्वल होगा मार्जिन रेवेन्यू, ठीक है, MC के इक्वल MR होना चाहिए। और दूसरा सिचुएशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन MR, MC क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए MR से, जहां पे MC इक्वल होना चाहिए MR के। ठीक है, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं E पॉइंट पे क्या है, आप देखिए ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, E पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, E पॉइंट पे क्या, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे MC इक्वल टू MR होगा। और दूसरा क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा MR से, ठीक है, MC क्या होगा, बड़ा होगा आपका MR से, और यहाँ पे क्या होगा, MC इक्वल टू MR। तो ये जो आपका E पॉइंट है यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, और OM लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है, OM लेवल ऑफ आउटपुट पे E पॉइंट पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट E, आंसर विल बी A पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम लोग दो चीज पढ़ते, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर का फायदा देखते, यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट्स द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको बताना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आपको बताना है कि कौन सा होगा। देखिए, कॉन्स्टेंट प्राइस वाला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इसमें है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे डायग्राम में देख लीजिए कहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। देखिए ए में अगर हम लोग देखते हैं, ये आपका ए डायग्राम है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी। देखिए ए पे देखिए, ये जो आपके स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, जो ऊपर की ओर जा रहा है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये देखिए प्राइस, MR क्या है आपका, प्राइस, ये पूरा स्ट्रेट है, मतलब सपोज करिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें, यहाँ पे प्राइस अगर 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे भी प्राइस आपका 10 ही लगे, इतना आउटपुट के लिए भी 10 लगेगा, यहाँ इतना आउट
आउटपुट के लिए भी आपको 10 ही रुपए लगेगा, इतना आउटपुट के लिए भी आपको 10 ही रुपए लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये आपको ये स्ट्रेट लाइन आपका प्राइस है पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, तो ये जो प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है आपको समझ में आ गया, ये प्राइस क्या आपका कॉन्स्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कॉन्स्टेंट प्राइस, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए, ठीक है। यहाँ पे ये आपको क्या मार्जिनल कॉस्ट है और ये आपको क्या है मार्जिनल रेवेन्यू है, जिसको जो हमारा प्राइस भी होता है। तो ये देखिए ये आपको क्या है, मतलब अगर आप इतना आउटपुट लेंगे तो भी आपको 10 ही रुपये लगेगा, इतना आउटपुट पे भी आपको 10 रुपये लगेगा, इतना पे भी आपको 10 रुपये लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट प्राइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम थोड़ा सा मिट गया है, देखिए यहाँ पे ये क्या है मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है ये मार्जिनल रेवेन्यू, आप देखिए मार्जिनल रेवेन्यू देखिए यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, यहाँ पे आप कुछ भी सिमिलर दिख रहा है कि सेम प्राइस कैसे दिखेंगे, ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो ये तो कॉन्स्टेंट प्राइस है नहीं। आप देखिए यहाँ पर भी मार्जिन रेवेन्यू क्या नहीं, ऐसे इस तरीके से डाउनवर्ड, देखिए इस तरीके से, मतलब ये क्या कहीं पे कॉन्स्टेंट है नहीं, यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू देखिए किस तरीके से बना हुआ है। तो ये सब में से कोई करेक्ट नहीं, करेक्ट आपका ये वाला है जो कि आपका देखिए पूरा कॉन्स्टेंट है। MR क्या आपका स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू OX एक्सिस, ठीक है तो ये आपका क्या है करेक्ट है, जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू क्या आपका या प्राइस बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट प्राइस है। इसका आंसर आपका एक बहुत, ये हमारा छोटा सा सेशन था जिसमें कि हम लोग ने डायग्राम वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप इस चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर आपकी आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अब लोग मिले कल एक न्यू वीडियो में, डेली में शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।